नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे पास है ओनर का डिवाइस, और इस डिवाइस में आपको बताऊंगा कि जब भी आप कोई नया फ़ोन परचेज करते हैं तो इस मोबाइल को जीमेल अकाउंट के साथ स्टार्ट कैसे करें, यानी कि मैं यहां पे न्यू डिवाइस का सेटअप बताने वाले हूँ आपको। तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर मैं इंग्लिश ही रहने दूँगा और इसके बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर दूँगा। तो इसके बाद टर्म्स एंड यूजेज है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे केयरफुली पे चेक मार्क कर देना है, नेक्स्ट का बटन आ जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और ये है वेदर इन्फॉर्मेशन, तो आप वेदर इन्फॉर्मेशन पे डिसएग्री कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके मोबाइल में एक अनवांटेड सर्विस चलती रहे। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है, और इसके बाद यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको बिना किसी जीमेल अकाउंट के स्टार्ट करना है, लेकिन मैं जीमेल अकाउंट के साथ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट कर देता हूँ, या फिर स्किप करके आप अपने मोबाइल डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड डालना होगा आपको, मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया है। मैं कनेक्ट पे क्लिक कर दूँगा, इसके बाद नेक्स्ट कर देना है आपको। अब आपको यहाँ पे एक या दो मिनट इंतज़ार करना होगा, इसके बाद सेटअप एज न्यू डिवाइस पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको कुछ देर तक वेट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, या फिर स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ईमेल आईडी के साथ में सेटअप करना है यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपका अपना ईमेल आईडी डाल देना है, और ईमेल आईडी में आपको पूरा ईमेल आईडी नहीं डालना है, सिर्फ एट द रेट से पहले वाला डालना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है, तो यहाँ पर आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। इसके बाद इस टाइप का कुछ आएगा, तो आपको ये सारे जो बैकअप वैकअप्स हैं इसको बंद कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और इसको भी आपको बंद कर देना है। इसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे इस टाइप का कुछ आ जाएगा, तो लेटर पे क्लिक कर देना है आपको, स्किप यानी बे पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर भी आपको स्किप कर देना है, ओके कर देना है। और यहाँ पर फेस लॉक या पासवर्ड आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो, तो यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ, बाद में ऐड कर दूँगा। और यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे नो थैंक्स करना है। गूगल असिस्टेंट का अगर यूज़ करना चाहते हो तो आपको आई एग्री पे क्लिक करना होगा, लेकिन मैं गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पे फ़ोन रेडी हो गया है और गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जो भी सेटिंग करवाई है वो मिनिमम सेटिंग है, यानी कि आपके फ़ोन को स्मूथ कराने के लिए जो सेटिंग रिक्वायर्ड थी वो मैंने करवा दी है आपको, ओके। इसके बाद इसमें कुछ ब्लॉटवेयर आपको मिल जाता है, यानी कि प्री इंस्टॉल एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे गूगल के कुछ एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, जैसे कि स्लाइड, सीट, डॉक्यूमेंट्स। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, स्लाइड करना है, और जो भी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो सकता है उसको आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर गेम्स वेम्स है स्क्रीन पर, तो यहाँ पर मैं पकड़ पकड़ के बारी बारी से सभी को अनइंस्टॉल कर दूँगा, ओके। और यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि ये जो गूगल का फीड बंद करना है अगर आपको, क्योंकि इससे भी आपका स्मूथ चलेगा मोबाइल, तो आपको क्या करना है, इस तरह से करना है, सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद ये जो गूगल फीड का ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको अनचेक कर देना है, और ऐप सजेशन को भी आपको अनचेक कर देना है। तो इसी तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।